जी नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां हिसार में कांग्रेस में फिर शामिल हुए कुरुणाराम नंबरदार। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरियाणा के हिसार में कांग्रेस संदेश यात्रा के पहले दिन इनेलो को अलविदा कहने वाले कुरुणाराम नंबरदार कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस संदेश यात्रा शहर से होते हुए कांग्रेस भवन पहुंची, जहां कुरुणाराम नंबरदार अपने समर्थकों के साथ वहां मौजूद थे। इस दौरान 11 जनवरी को पार्टी छोड़ने वाले कुरुणाराम नंबरदार ने कुमारी शैलजा व किरण चौधरी से भेंट की। वहीं किरण चौधरी व कुमारी शैलजा ने कांग्रेस का पटका पहनाकर उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजन लाल के बेटे चंद्रमोहन भी मौजूद रहे। हरियाणा कांग्रेस पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इस दौरान कहा कि कुरुणाराम नंबरदार कांग्रेस पार्टी में श्रद्धा जताई है। आज वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उनका पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। इस मौके पर कुरुणाराम नंबरदार ने कहा कि पार्टी एक व्यक्ति की नहीं होती बल्कि सभी की होती है। बीते 40 साल से बंशीलाल व सुरेंद्र सहित आदमपुर हलके में कांग्रेस की नीतियों का प्रचार किया, लेकिन बाप बेटे के कारण वह पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में चला गया था। उन्होंने कहा कि आज आदरणीय खड़गे, राहुल गांधी, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा के नेतृत्व में पार्टी में फिर से शामिल हो रहा हूं। जो भी किरण चौधरी व कुमारी शैलजा सहित कांग्रेस पार्टी से जो आदेश आएगा वह उन आदेशों का पालन करेंगे। साल 2023 में हुए आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। नाम फाइनल होने के तुरंत बाद कुरुणाराम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। इसके 15 मिनट के अंदर उन्होंने अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में इनेलो पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद इनेलो ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। उपचुनाव में कुरुणाराम को 5,248 वोट मिले थे। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।